बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नन बाबी किचन एंड व्लॉग। और अब आज जो है हम लोग आई हुई हैं मैं मारम रोड दोबारा से, और यहाँ पर मैं लाई हूँ भाभी को लेज़र ट्रीटमेंट के लिए। हमने कहा यहाँ पे ज़रा विज़िट करें और पता करें, क्योंकि तो भाभी को ना बड़ी ज़रूरत पड़ गई थी लेज़र की। विटामिन सी सीरम 3000 का, हाइलुरोनिक 3250 का, रेटिनॉल 3250 का। डिपिगमेंटेशन क्रीम जिसके बहुत अच्छे रिव्यू जा रहे हैं, आपके कोई भी है ना यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो वो 4000 की है, ग्लाइकोलिक ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। और हेयर सीरम है 4000 का, एंटी हेयर फॉर शैम्पू, इसके भी बहुत अच्छे रिव्यू जा रहे हैं, ये 4250 का। और ये ग्लूटाथायोन का वाइटनिंग फेशियल, ठीक है, इसमें 5 जो 1 है वो 5000 का, अगर आप पूरा बॉक्स बाय करते हैं उसके अंदर 5 होंगे वो आपको 18000 में मिल जाएगा, लाइक आपको 7000 में डिस्काउंट मिल जाएगा। इट्स लाइक वन टाइम यूज से आपके फेस पे ग्लो और वाइटनिंग आ जाएगी। इसके 3 स्टेप्स हैं, ये कैंडेला है वाइटनिंग एम्पो पर, और फिर वाइटामिन सी क्रीम लाइक और ग्लूटाथायोन, ये इसमें ये मास्क है, ये लाइक आपका प्रॉपर एक घर में बैठ के फेशियल हो जाएगा। रिजल्ट वंड आ जाएगा, सारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ये सीरम से ये वाइटनिंग एम्पोर में, ठीक है, और ये वाइटनिंग विटामिन सी की क्रीम है, और ये ग्लूटाथायोन, हमारी स्किन को ग्लूटाथायोन बहुत सही होता है ना, लाइक वो वाइटनिंग के लिए यूज होता है स्किन में, अगर ज़्यादा ग्लूटाथायोन होगा तो वो वाइट होगा, और अगर कम होगा तो वो थोड़े डाइकट होंगे। तो ये ग्लूटाथायोन का मास्क ही है जो आपकी स्किन पे जब आप अप्लाई करते हैं तो वाइटनिंग ग्लो सा फील होता है। यहाँ पर भाभी का बहुत करवाएंगे फेस लेज़र, और भाभी ने ब्यूटीफुल हो जाना मेरी तरह। भाभी फेस नहीं लाई, भाभी कह रही थी जब लेज़र हो जाना तब दिखाना मैं कितनी खूबसूरत हूँ। हम्म,
ब्लेजर आया हुआ है वो क्या है उसका नहीं मुझे कुछ आइडिया। हाँ आइस के लिए, स्पेसिफिकली आइस के लिए होगा वो हेयर रिमूवल, हेयर रिमूवर है वो। यानी कि जैसे आप ये लेज़र अप करती है ना तो इसमें हीट आती है ना, उसमें कूलिंग आती है। हमारे हमें सबने कहा कि ये क्या नाम तुम लोगों ने रखा हुआ, हमने कहा नहीं हमें ये नहीं पसंद है। इनकी स्किन टोन और इनके हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंगली सेटिंग्स वाली बात है। जा रहा है इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है आपके इधर? इशू पहले टेस्ट करवाएंगे इनके, कोई हार्मोनल इशू तो नहीं चल रहा। हाँ हाँ वो तो उसके बाद ट्रीटमेंट भी होगा। गोल्डन हो जाते हैं, गोल्डन वालों पे जो लेजर है वो इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अब जब नेक्स्ट सेशन आपने अभी आपने करवाना है जरूरी है, लेकिन जब आप नेक्स्ट सेशन लेने आएंगे तो आपने देखना है कि आपके जो हेयर्स हैं वो गोल्डन नहीं होंगे, ब्लैक हो। और अब हम जा रहे हैं वापिस और भाभी का लेजर ट्रीटमेंट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर वापिस। अब देखें भाभी घर जाके खुश होती है कि नहीं होती है। वैसे बहुत अच्छा रहा, बेस्ट एक्सपीरियंस। हम आ जाए थे एमएम आनंद रोड पे, वीनस लेज़र यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त एक क्लिनिक है। आप यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अच्छी सी सर्विस लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।